भाई गांड में तीतर इस गाड़ी का हराम ज्यादा लोग मुझे चूतिया तो नहीं समझ रहे गाइस। तो सभी को सबसे पहले जय श्री राम गाइस। तो आज हम मंदिर आए थे वो पहले वाले मंदिर में नहीं, आज हम आए थे बड़े वाले मंदिर में जो पीछे तुम्हें दिख रहा होगा, क्योंकि आज हम ज़्यादा ही लेट हो गए थे तो हम मंदिर भी आना ही पड़ा, क्योंकि हमें लगा वो तो बंद ही हो गया होगा तो हम वहाँ पे गए भी नहीं। अभी लेट ही आए तो इस चक्कर में हमें यहाँ आना पड़ा। तो अभी यहाँ से पूजा वूजा कर ली है, महादेव जी के जल वल चढ़ा दिया है, अब सीधा हम निकल रहे हैं घर के लिए। अब आगे का जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले जाके देखना पड़ेगा दुकान पे, फिर उसके बाद कुछ आगे का बैठेगा। तू तो कॉम्पिटिशन बढ़ा रहा है। अरे गाइस ये देखो, ये रवि किसी को धंधा नहीं चलाने देता, बताओ भाई साहब चाय सप्लाई करे, आप क्या बतावे, क्या आदमी कहाँ कहाँ दौड़ गया, इसलिए लड़के को लग रहा हूँ चाय सप्लाई करना, चकाचक चाय मिलती है मेरा एक इलायची लौंग सब कत्ता ही नाम खराब करवा हम लाग रहे जो बेटी से होते थोड़े तो सावत्री मिठाई आड़ो अरे चलिए कत्ता ही चाय कर लो। अरे वो भी फुर जानी फंटी लगाओ तो फुर जानी पता ही कौन चाल कद जा रहा जाओ टर जानी सी बेइज्जती करवाओ साला। दो बार क्यों, एक सुबह एक बार बताओ भाई। जे ये अपना किया है, कोई आए बोले चाय ले भाई जा, बतो अंडे भी कौन जाने, नाई का भी कौन जाने, या देख लो मैं तो नहीं कह दियो नाई ने खेलो चाय भाई आजार पिज्जा ले जा, बात खत्म कहीं नहीं जानी। हाँ तीन बार बैठी कितना नाम खराब कराओ ये। देखो गाइस तुम्हें मंडी का रुझान देखना है तो मेरे ब्लॉग में देख सकते हो, तुम मैं दिखाऊं मंडी का रुझान, भाई साहब इतनी भीड़ दिखेगी कि तुम पहचान भी नहीं पाओगे। देख लो गाइस कभी तुम्हें लगे ना कि लोग आबादी खाएं तो कभी अपने पास की लोकल मंडी में निकल के देखना, तुम्हें सारी की सारी आबादी दिख जाएगी, इस पूरे देश की आबादी दिख जाएगी कसम से। गाइस देखो पहले मुझे है ना यहाँ भीड़ में बोलने में हेजिटेशन होती थी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा, लेकिन अब मैं हो चुका हूँ निर्लज बिल्कुल। अब तुम मुझे कहोगे पूरी 2 लाख क्राउड के बीच में बोल सकूँगा मैं, इतनी हिम्मत आ गई है मेरे में। अब तुम्हें दिखा दूँ सच में क्राउड, दिखो देखो ये देखो, झूठ नहीं कह रहा मैं, तुम्हें लग रहा हो यूं बहन चलो क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, वॉइस ओवर कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा मैं वॉइस ओवर। तुम्हें दिख गई होगी भीड़ और सामने कैमरा दिखा के मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता ज़्यादा सामने कैमरे में, मेरी शक्ल नहीं दिखती, कई बार पता लगती है सही दिख रही है वैसे, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा भाई को तुम ले जाना, अब मैं सोच रहा हूँ ऑडिशन दे के आऊँगा, किसी ना किसी एक्टिंग के या किसी ना किसी सीरीज़ के जरूर ऑडिशन दे के आऊँगा मैं। लेकिन इस भीड़ को देखते हुए लग रहा है कि जैसे कि ये भीड़ यहाँ से खदाई जा रही है ना वैसे ही मेरे को भी खदेल दिया जाएगा वहाँ से, लेकिन कोशिश फिर भी करूँगा मैं। और अभी तो भाई साहब तुम्हें तो यहाँ की तो कुछ भी भीड़ नहीं है, तुम्हें सामने दिखाऊँ रुको देख एक मिनट, वो सामने भाई साहब इतनी भीड़ जिसकी कह नहीं सकते, यूँ मान लो ये पता नहीं ये संसार की सारी आबादी यहीं आ गई है या तुम्हारे लोकल में भी है ऐसा, कमेंट करके जरूर बताना गाइस। हरी सब्जी खानी चाहिए, हरी सब्जी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती है। अब देखो मैं भी हरी सब्जी ले रहा हूँ, ये देखो पालक, मुझे पालक की पकौड़ी बनाना सिखा दो गाइस, कैसे खाऊंगा पालक की पकौड़ी बताओ। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे वीडियो बनाते हुए देखते हुए लोग मुझे चूतिया तो नहीं समझ रहे गाइस, लोग घूर घूर के देखते हैं बताओ कैसे बेशरम हो गए। तुम भी समझते हो क्या, अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसे वीडियो बना रहा हो तो उसको चूतिया समझते हो क्या तुम, अगर तुम समझते हो तो मुझे भी समझ रहे होंगे यहाँ तक मुझे पता है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ मैं किसी को चूतिया नहीं समझता, अगर मेरे सामने कोई ऐसे वीडियो बना रहा हो तो भाई मेहनत कर रहा है, तुम भी मत समझा करो, तुम्हारी कसम बड़ा बुरा लगता है बेचारा सामने जो वीडियो बना रहा होता है उसको। और अभी तो है ना फिर भी शाम है इसलिए कम भीड़ है भाई साहब, जैसे जैसे रात हो जाएगी ना वैसे वैसे भीड़ इतनी बढ़ेगी जिसके कह नहीं सकते। अभी ये मान लो मैं तो अभी निकल जाऊँगा यहाँ से दिन रहते रहते, रात को तो भाई साहब यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती, जैसे पॉकेट में सामान मिल रहा हो पूछे मत। गाइस देखो तुम्हारा भाई ने सब्जी वब्जी खरीद ली है, अब यहाँ से निकल रहा हूँ, लेकिन मैं एक सच्चाई बात बताऊँ क्या, ये हथवाड़े में कुछ नहीं है, यहाँ पे तुम्हारी हालत ख़राब हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मान लो इतना सा मैंने सामान लिया है जिसमें भाई साहब दुनिया भर की भीड़ है, मान लो भीड़ में अगर तुम नहीं जाना चाहते हो ना कभी हथवाड़े मत जाना भाई साहब, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। अब इसको लेके निकलते हैं घर पे, अब घर पे भी जाना। और ना तुम्हें मैं एक और सच्चाई की बात बताऊं क्या, हथवाड़े में कभी भी है ना सफ़ेद ड्रेस तो बिल्कुल पहन के मत जाओ, ये मेरे आस्तीन देखो इनके ऐसी की तैसी हो गई हथवाड़े में मिट्टी उड़ उड़ के, क्या ही बताऊं। मान लो मेरे साथ तो चोट हो गई लेकिन मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूं, देखो सफ़ेद चीज़ पहन के कभी बाहर मार्केट में मत निकलना, क्योंकि धूल मट्टी उड़ती है उससे पूरी सफ़ेद चीज़ ख़राब हो जाती है, जैसे मेरे आस्तीन ख़राब हो गए अब ये तुम्हें दिख रहे होंगे यहाँ तो कैमरे में ये देखो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता ये क्या फट गया। ओ भाई चलो कोई बात नहीं, अभी जा रहे हैं हम अर्जुन के पास क्योंकि उसने फ़ोन किया है कुछ ज़रूरी काम है, तो उसके पास जाके फिर देखते हैं आगे क्या सीन बनता है हमारा। हाँ गाइस आज देखो हमारे एक जिम ना है जिसमें हमारे एक क्या नाम है, इनका नाम क्या है सर, सत्या पंडित जी जिम के आए हैं, तो क्या जिम के आए हैं आप सत्या पंडित जी, क्या बोल रहा है इधर आके बोल रहा है, क्या बोल रहा है वापस बोल, क्या बोल रहा है, सीरियस हो गया
गाइस देखो जिम के भी आ जाते हैं फिर बताते भी नहीं भाई क्या जिम आया बताओ। लड्डू पूरी भुजिया बस इस लड्डू पूरी भुजिया लड्डू अब लड्डू तो क्या ही बनता है खाने में, कुछ बनता है बताओ? नहीं बनता ना लड्डू पूरी। अभी भाई गांड में चित्र इस गाड़ी गांड मार रहा है खड़ी खड़ी की टेढ़ो कर टेढ़ो टेढ़ो जो भाई अब क्या भाई दोबारा गांड मारना गाड़ी की ये देखो भाई ये चित्र है भाई क्या चाहते हो गाड़ी से? अरे क्या जान लेना चाहते हो? वो अगर उसमें अगर जिंदगी होती तो अब तक तो गाली दे के मर जाती वो। देखो ये गाड़ी वाला इस रिक्शा वाले से कॉम्पिटिशन कर रहा है, देखो ले जाके बैठने की सोच रहा है, इसने आधी पौवा पी रखा है और पूरा पौवा पीने की कोशिश। गाइस देखो कल जब हम यहाँ आए थे इसके पास तब भी इसकी चैटिंग चल रही थी और आज भी देखो इसकी चैटिंग चल रही है। ये देखो भाई फोटो मत देखा साला हरामजादा। गाइस कुछ कुछ चीजें पर्सनल भी रखनी चाहिए, देखो ये चैटिंग सारे दिन करता रहता है यहाँ पे बैठे बैठे, कुछ काम धंधा नहीं करता रहता बताओ। यही तो हमारा वो हो गया, ये तो हमारी थंबनेल हो गया गाइस, इसको ही तो थंबनेल बनाएंगे। अब भाई थंबनेल बनाऊंगा बोले दोस्त हुआ रानबाज ढूंढ के दे दो हमें कंटेंट करके। अरे भाई भाई लेकिन अब एक बात बताऊं, व्यू आप लग गया वीडियो थोड़ा व्यू आओ तो मन खुशी है, खुशी होती गाइस ऐसे ही सपोर्ट बना के रखो तुम यार, तुम वीडियो को शेयर करो प्यार बरसा दो नया और कुछ बरसा दो आपको दिक्कत हो जाएगी। प्लीज लाइक करें कमेंट करें फॉलो करें ठीक है। हां तो गाइस ये तो भाई आज को आखिरी आज को या तो भाई अब लोग बना यार भाई को क्या लेना है भाई बताओ? ₹10 की माला लेना है देखो ये इसको दक्षिणा दे रहा है बेचारे को, ₹40 दक्षिणा में दे दिए गए इसको ठीक है खुश बधाइयां। गाइस बस आज का हमारा व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि आज की बकचोदी फुल हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भाई को चाहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई ने हमें व्लॉग में सपोर्ट किया इतना, बहुत भाई का आभारी है, हमेशा आभारी रहेंगे, यही तो जनता है हमारी। आए कर दे ये बात भाई बहुत अच्छा है तुम्हारी कसम भाई, एक नंबर एक नंबर है भाई ठीक है। तो फिर भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हाँ अरे तू पागल हर गई हर कोई ने खोल लिया यार। तो गाइस मैं व्लॉग तो बंद करना चाहता था लेकिन कंटेंट पे कंटेंट आते जा रहा है तो मैं बंद नहीं कर रहा इसको और चालू रखूंगा, क्या पता और क्या कंटेंट आ जाए मेरे पास। आ भी जा।